सुबह की है सबको नमस्कार और है राम राम। तो भैया आज का एक नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। ऊपर वाले का थैंक्स इतना सब कुछ अच्छा अच्छा देने के लिए, अच्छा सा परिवार देने के लिए, अच्छे अच्छे आपसे से दोस्त देने के लिए, अच्छा अच्छा काम कराने के लिए और 40 साल की उम्र में रिटायर करने के लिए पहला सबसे बड़ा थैंक्स। और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ देने के लिए मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है और यह है मेरी इंजन मशीन, दुनिया का 8वां अजूबा। तो करते हैं आज की शुरुआत कुछ नए नए कामों से। और फिलहाल अभी सुबह भाई और मैं तो जा रहे हैं जरा मार्केट कुछ काम करने के लिए। सुबह भाई तैयार? तो चलो भाई हम तो निकलते हैं। और देखो मन तो लगा चाचा से बात करने में, ये देख। तो यार सुबह और मैं तो आ गए हैं और आज हमारे घर में आने वाले हैं खास मेहमान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त आगरा से और हमारे साथ में पंत जी भी। तो आज उनके लिए बन रहा है स्पेशली इसमें पनीर मसाला, ऐसा ही कुछ कह रहे थे यार मंतू हैं, मटर पनीर यार सॉरी। और यहाँ बना है बढ़िया से गोभी की सब्जी मिक्स वेज है, आलू गोभी पनीर सब मिक्स है। और इसमें मैं बना रहा हूँ बिरयानी, इसमें चल रहा है मटर पुलाव, सब उल्टा पुल्टा। और ये हांडी में ये पकेगा, मटर पुलाव बनेगा अपना हांडी में। फिलहाल करते हैं हम लोग अपने पकाने की तैयारियाँ और फिर करते हैं इनका इंतज़ार। तुम यहाँ बन रहा है नींबू पानी की तैयारी हो रही है। और इसमें हम जा रहे हैं मार्केट सुबह का सामान लेने। तो सुबह भाई हमारा भैया तो प्यार देखा दोनों भाइयों का प्यार पार्टी दिया यार ये प्यार के चक्कर जी मैं मंगा दी मां तुम्हें। तो ये अभी जाते हैं सुबह के लिए लेके आते हैं ड्रैगन फ्रूट और अनार कीवी। और ड्रैगन फ्रूट नहीं मिलेंगे तो फिर कीवी से काम चलाना पड़ेगा ना भाई, काफी अनार अनार तो चाहिए चाहिए सब मिल जाएगा। तो कस्टर्ड वहां कहां मिलेगा यार, कस्टर्ड फेवर। तो यार हो गई है खाने की शुरुआत, हो गया है लंच का टाइम और हमारे उज्जू बाबू आ गए हैं, हमारे मेहमान बदल गए हैं। मेहमान हमारे फंस गए काशीपुर में और खाना बन है रेडी। ये देखो ये खाना है और आ ही रहा है अभी अंदर से, खाना बन ही गया है और सब कुछ हो गया था। तो फिर मैंने तुरंत दीदी को फ़ोन किया, तो तुमने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी खाना नहीं बनाया तो बताओ, बोला नहीं बना रखा। मैंने कहा पहुँचोगे? मैंने कहा आज यहीं खाते हैं। मैंने कहा मेहमान कर देते हैं चेंज, अब मेहमान बन गई बुआ, अब हमारे मेहमान चेंज, अब हम सब मेहमान हो गए हैं घर के। बैठो मोदी जी की। जय गणपति बप्पा। ये छाया है सब पे आजकल गणपति का रंग, और एक समय पहले था ऐसा लगता था भगवान को सब भूले पड़े हैं। चलो शायद ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो अभी पापा अरे ऐसा ऐसा सब बोल देती ना, फिर मैं बाद में सोचता, मैंने कहा नहीं यार क्या तो ठीक रही है, पापा इधर तो देख लो कोई भी आता है तो और नहीं किया तो दिखाएगा दिखा देता ये देखो ऐसा देख हमने बताया। और ये मैंने दादी थोड़ी हेल्प करती थी, तूने तुम्हारे को तो पता भी नहीं है भरा था, इतना झूठ बात बोल रहा है भाई। मेरी शादी था भाई, ये दीदी ने पैंट वाला मत बनाना है दीदी के अंदर। उसके लिए मैं बना रहा हूं अब मुझे।
यहाँ नीमा के लिए चल रही है शॉपिंग, नीमा के लिए ढूंढी जा रही है सूट तेरे को जा ताकि नीमा हमारी बने हीरोइन। और ये देखो ये हमारे कार्तिक ने बनाया भाई, अकेले टेक्नीशियन का बेटा, टेक्नीशियन इंटीरियर वाले का बेटा, इंटीरियर वाला। अगर ये देखा मैंने इसे बताया भी नहीं कैसा बनना है क्या बनना है करके। हाँ ऐसे ऐसे लगेगा इसके बीच में, और इसमें ग्रीन आएंगी उसमें। आप ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं बाबू, तुम मत पियो, आप मत पियो इसको। देखो अब छोटा इंजीनियर आ गया मेरा, और ये मैंने अकेले बनाया। ये देखो सुने पेपर है भाई साहब का, साइंस का। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, खेल खेल मस्ती अलग चीज है, तो काम करो। अरे गिर गया भाई, उसको ठोकना पड़ेगा, मुझे मजा नहीं आ रहा। इसके बीच में जो वो लग जाएंगे ना क्वेश्चन, तब अच्छा लगेगा। ऐसा अभी निकाल दूंगा, कैसा लग रहा है? एक पढ़ने के बाद निकाल दूंगा। देखो भाई सुबह ने अपना सजा भी दिया यार, ये देख रहे हो क्या सजाता है मेरा बेटा। वाह सबसे ऊपर उसको भी, उसको वो बगल वाला नहीं रखूंगा ऊपर में, फटाफट है वो पूरा ऊपर के लिए। हां ऊपर सबसे ऊपर पांडा तो मेरे को दिखाना है भाई। कहां दिखाना है? पढ़ाई भी कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। अरे किसने कहा लड़कियों को नहीं होते हैं, लड़कियों को नहीं होते हैं। गजब है यार तुम तो, वैसे पिंक दिखा रहे हो लड़के को है। कौन सा वाला? तो ये किसने कहते पिंक लड़के यूज नहीं कर सकते? ये कौन सी किताब में लिखा है? लड़कियों शौक ज्यादा लड़कियों का रहता है। हाँ तो शौक ज्यादा हो सकता है। अब ब्लैक कलर इसके अंदर लड़कों का होना चाहिए, फिर लड़कियां क्यों पहनती हैं? हाँ बताओ। नहीं पहनती हुई है वो, तो मल्टी तो है। हटा देता हूं, बताऊं क्यों? इसको ये ऐसे ऐसे। हाँ यार ये देखो ये तो रोनी सूरत वाला है भाई, इसके स्टाफ ने दिया था सुबह के बर्थडे में, पता नहीं दिया था स्टाफ। अच्छा रहा यार मेरा मेजा। ये क्वेश्चन है बिल्कुल मजा नहीं है, आप दोनों भी तो पूछ लो कोई सवाल। मेटल सोना मेटल और वो पैसा था ना, उन सब में ही तो जानना था। चलो एक सवाल मैं पूछूं, क्योंकि उसके अंदर वही तो भरे थे। सवाल कर भी दिया था, सवाल सुनना हो जल्दी, सुनना 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 सब सुनना। देखो एक पौधा लाया मैं रोज पानी डालता हूँ, मैं रोज अच्छे से खेती बाड़ी सब करता हूँ, वो बढ़ क्यों नहीं रहे? किसी आप मत बताना आपको आता है, क्योंकि वो आज तक पापा को भी आता होगा ना, नारियल के कटोरे के अंदर कटोरा। हाँ तो मत बताना, सुनना कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। उस इसका आंसर क्या है? उसमें बताने हैं कितने केले हैं, और केले केवल छह हैं, पता कितने केले उस थैले में? झाड़ू अच्छा चलो पहले सुबह का बता क्वेश्चन। एक इंसान था और एक बांसुरी थी, वो बांसुरी बजा रहा था, उसकी मम्मी क्या करना उसको थप्पड़ मारा, क्यों? क्योंकि बांसुरी बजा रहा था भाई, रात को बजा रहा था, रात को बजा रहा था। क्या बात है भाई, ऊपर झाड़ू क्या हुआ? डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, उसके ऊपर झाड़ू। हाँ है तीन है, मुझे बताए क्वेश्चन तीन। क्या चीज हुई? दो डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर झाड़ू, पांच पांच डिब्बे। क्या है तेरी चीज? चीज क्या है वो? चीज क्या है? ऊपर डिब्बा, ऊपर झाड़ू, घास के ऊपर, और उसके से पिघले पत्थर लगाए होंगे। बताओ हार मान तो, हार मान तो। गन्ना डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा।
एक मैं सवाल तो यार हो गया गुड नाइट का टाइम और हमारे कार्तिक बाबू तो क्या आटा नींद नहीं आ रही बिना उसके तो क्या आटा दे सुबह कर तो गलत बातें हैं तकिया के साथ ही वो देखो बिना तकिया के सब बिना तकिया के सोते हैं बेटा हम लोग गंदे आदत मत डाल अपने अंदर सच में सुबह तूने कहा था पापा जाड़ा हो रहा है कसम से तूने सुबह उठते ही कहा था तो अब मत करो ना अभी तो एक कर दूं नहीं कर दूं एक वो भी मना कर रहा है चलो ठीक चलो गुड नाइट तो भैया गुड नाइट अब हम भी जाते हैं सो चलो भैया आज का दिन रहा बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा थोड़ा सा टेंशन भरा था फिर शाम को पंसर जी आए थे पंजी और अपने पीपी भैया आए थे आगरा वाले तो फिर शाम को बढ़िया से हमने बनाई सूजी और फिर खाई सूजी और फिनालू पहले फिनालू खाए थोड़ी देर फिर उसके बाद सूजी बनाई हल्की फुल्की तो फिर अभी जस्ट निकले हैं वो लोग भी तो कल आ रही है पीपी भैया की गाड़ी और कैंगन का देखो जादू कि उन्होंने 3 साल में ही एक नई गाड़ी और ले ली और ये केवल कैंगन से पॉसिबल है जबकि आर्मी मैन यहाँ तक पहुँचा केवल कैंगन के बदला चलो चलो बहरहाल ऊपर लगा थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया आज का अच्छा दिन देने के लिए तो चलिए कल सुबह फिर एक नई शुरुआत के साथ मुझे पता है ऊपर वाला मुझे कल की एक नई शुरुआत और देगा और मेरे से अच्छे अच्छे काम कराएगा चलते मिलते हैं कल गुड नाइट राम राम है रात की